बड़वानी जिले के राजपुर में हुए युवती के अपहरण के मामले का शांतिपूर्ण पटाक्षेप हो गया है। पुलिस ने आरोपी व युवती को पकड़ने के बाद युवक युवती को कोतवाली लाया, जहां पर संवेदनशील मामले को देखते हुए भारी पुलिस बल के बीच आज युवती को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे परिजनों के साथ जाने की इच्छा जताई। इस पर पुलिस ने युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। युवती के अपहरण का आरोप लगाते हुए राजपुर में परिजनों ने जमकर बवाल खड़ा किया, जहां पर खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे जाम करने के साथ ही परिजनों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया था। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। युवती व आरोपी इरफान को कोतवाली थाने बड़वानी लाने के बाद युवती के बयान कोर्ट में करवाए जाने के बाद पुलिस ने युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जहाँ पर जिले में 5 दिन से जारी बवाल का शांतिपूर्ण निपटारा होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं युवती के समाज के प्रदेश संगठन मंत्री कृष्णा प्रजापति ने पुलिस के अथक प्रयास व मुख्यमंत्री द्वारा युवती के भाई को रीट्वीट करने पर आभार व्यक्त किया है। कृष्णा प्रजापति, क्या हो, किस पद पर समाज में आप? मैं समाज में प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, प्रजापति समाज से। क्या क्या घटना हुई थी और क्या है? ये घटना हमारी राजपुर की बहन को अगवा करके एक अन्य समाज का व्यक्ति भगा के ले गया था जबरन। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम इरफान है, और उसको भगा के ले गया। उसके बावजूद हमारी समाज ने सभी दूर ज्ञापन दिए, ज्ञापनों के माध्यम से कार्रवाई करने की मांग की, जिस पे प्रशासन ने बखूबी अपना दायित्व तो निभाते हुए 3 दिन में ही लड़के को और लड़की को दोनों को बड़वानी कोतवाली ले आए। और उसके बाद में हमारी बेटी ने हमारे पक्ष में बयान दिया है और हमारे बेटे को आज हमारे सुपुर्द किया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके कार्रवाई करने की बात कही थी, और इसमें पुलिस प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज हमारी बेटी आज हमारे घर पे है। मैं पुलिस प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारी बेटी आज हमारे घर पर आ चुकी है। चले गए थे, उसमें प्रकरण कायम किया गया था राजपुर में, और पुलिस ने तलाश कर अजमेर से उसको बरामद किया था। कल अजमेर से यहाँ लाए थे बड़वानी, और इसके बाद आज कोर्ट में उसके बयान कर दिए गए हैं और पुलिस ने भी बयान लिए हैं। लड़की जो है अपने माता पिता के साथ जाने के लिए तैयार है, सहमत हुई है, तो उसको माता पिता के सुपुर्द किया गया है। सर, लड़के पर कोई कार्रवाई की गई है सर? हाँ, अब कोर्ट का जो बयान आया है उसके अनुसार अगर कोई कार्रवाई बनती है तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, नया अध्यादेश लगाया सर, अभी नया जो कानून आया है लव जिहाद पर? हाँ, उसमें बयान के आधार पर डिपेंड होगा कि वो लड़की क्या बोली है और उसमें क्या कार्रवाई होना। लड़की को सुपुर्द कर दिया परिजन को? हाँ, अभी सुपुर्द ही कर रहे हैं जस्ट, और उसमें लड़की सहमत है माँ बाप के साथ जाने के लिए, तो उसको माँ बाप के सुपुर्द कर रहे हैं। सर, लड़के पर किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई? 365 धारा है आईपीसी की, उसके तहत मुकदमा कायम हुआ था। उसमें विवेचना चलेगी और लड़की का बयान पढ़ा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई प्रस्तावित होगी। कस्टडी ये लोग अजमेर में थे दोनों, अजमेर से पुलिस ने इनको बरामद किया था और यहाँ ला के बयान कराएगा। लड़की के साथ कुछ चोट भी आई है, निशान के बाद मारपीट भी की है कई लोगों ने, कुछ आपकी जांच में सामने आया है कुछ? नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है मारपीट की। तो इसके साथ वो कौन कौन आरोपी थे युवक के साथ अपहरण के मामले में? नहीं, अभी तो इसी को आरोपी बनाया गया था, जो FIR में नाम आया था कि ये लेके चला गया है, तो FIR में यही नाम था। अब आगे विवेचना होगी, विवेचना पे जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निगम की रिपोर्ट।